सो हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। मैं आपका दोस्त रुपेश लोधवाल। गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आज से 8 दिन पहले मैंने आप लोगों के लिए एक वीडियो बनाया था, जहाँ पर मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर आप काइन मास्टर यूजर हैं तो काइन मास्टर का लेटेस्ट वर्जन आ चुका है, जहाँ पर काइन मास्टर ने ढेर सारे नए फीचर एड किए हैं। तो उन सारे नए फीचर को कैसे यूज़ करना है, और मैंने उस वीडियो में आपको ये भी बताया था कि अगर आप काइन मास्टर का लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड करना चाहते हैं विदाउट वाटर मार्क फ्री में, तो कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको सारी बातें फिर से जानना है तो ऊपर आई बटन पर यहां पर वीडियो दी गई है, आप इस वीडियो को जरूर देखें। लेकिन गाइस, उस वीडियो को अपलोड करते ही मेरे पास अगले दिन से ही एक कमेंट सभी का कॉमन आने लगा कि यार, यहां पर हम जो भी वीडियो एडिट करना चाहते हैं एडिट तो कर लेते हैं, लेकिन जब उसको एक्सपोर्ट करना चाहते हैं यानी सेव करना चाहते हैं तो वहां पर हमारी वीडियो सेव नहीं हो रही है। तो गाइस, आज की इस वीडियो में आपकी इस प्रॉब्लम का भी सोल्यूशन लेकर आ चुका हूं। अगर आप काइन मास्टर पर जो भी वीडियो एडिट करते हैं उसको एक्सपोर्ट करना चाहते हैं यानी सेव करना चाहते हैं तो कैसे सेव करेंगे, यह तरीका खुद काइन मास्टर ने बता है, जो कि मैं आपको आज की वीडियो में बताने वाला हूं। तो गाइस, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को आप लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो गाइस, आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यहां पर काइन मास्टर का ऑफिशियल एफएक्यू पेज आपके सामने ओपन हो चुका है, और यहां पर आपको 2-3 कारण बताए गए हैं कि आपकी वीडियो एक्सपोर्ट क्यों नहीं होती है। यहां पर सबसे बड़ी हेडिंग आपको ऊपर ही दिखाई दे जाएगी, प्रॉब्लम्स एक्सपोर्टिंग ऑन एंड्रॉइड, यहां पर आप देख सकते हैं। और गाइस, यहां पर आपको 2-3 कारण नीचे दिए गए हैं, जिसमें से पहला कारण आप यहां पर देख सकते हैं, अपडेट ऐप। इसका मतलब यह है कि अगर आपने काइन मास्टर को प्ले स्टोर से अपडेट नहीं किया है तो आप वहां से सबसे पहले काइन मास्टर को अपडेट करें, तो यह प्रॉब्लम आपकी वहीं पर ही खत्म हो जाएगी। तो गाइस, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं दूसरा कारण भी आपको दिखाई दे रहा है, ट्राई रिबूटिंग द डिवाइस। गाइस, इसका मतलब यह है कि अगर आप काइन मास्टर यूज कर रहे हैं और उसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है, जैसे कि एक्सपोर्टिंग प्रॉब्लम आ रही है, वीडियो सेव नहीं हो रही है, तो सबसे पहले आप अपने मोबाइल को बंद करके चालू कर ले, तो शायद ये प्रॉब्लम वहां पर खत्म हो जाएगी। और ये जितने भी आपको सॉल्यूशन दिए गए हैं ये काइन मास्टर के ऑफिशियल पेज पर लिखे गए हैं, इसकी भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन पर दे दूंगा, तो आप सीधे यहाँ पर विजिट कर सकते हैं। तो गाइस, अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं आपको तीसरा कारण भी दिखाया जा रहा है, जहाँ पर लिखा हुआ दिखाई देगा, डोंट यूज ए स्क्रीन रिकॉर्डर। अगर आप काइन मास्टर पर कोई वीडियो एडिट कर रहे हैं और उसको आप ट्यूटोरियल के जरिए बताना चाह रहे हैं, एग्जाम्पल के लिए मैं आपको समझाता हूँ, अगर आप काइन मास्टर पर कोई इंट्रो बनाना सिखा रहे हैं, उसकी रिकॉर्डिंग भी आप कर रहे हैं, स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी आप कर रहे हैं, तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं और उसको एक्सपोर्ट करेंगे तो वो एक्सपोर्ट नहीं होगा। तो गाइस, यहां पर आपको स्क्रीन रिकॉर्डर का भी यूज नहीं करना है, जब आप काइन मास्टर का यूज करते हैं तो। तो गाइस, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि अगर आपकी वीडियो सेव नहीं होती है, एक्सपोर्ट नहीं होती है, तो उसका चौथा कारण क्या है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, डोंट यूज़ वीडियो इन अनदर ऐप। तो गाइस, इसका मतलब ये है कि अगर आप काइन मास्टर पर अपनी वीडियोस को एडिट कर रहे हैं, एडिट करने के बाद आप बीच का होम बटन दबा देते हो, उसके बाद आप व्हाट्सअप को यूज़ करने लग जाते हैं या यूट्यूब को यूज़ करने लग जाते हैं या PIP मोड स्टार्ट कर लेते हैं, यानी पिक्चर इन पिक्चर मोड को भी स्टार्ट कर लेते हैं, और साथ ही साथ आप अपनी वीडियो को एडिट करने लग जाते हैं, तो आपकी वीडियो को एक्सपोर्ट करने में यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। तो गाइस, यहां पर आपको ये चौथे कारण को भी ध्यान रखना है, ये सारी चीजें जो काइन मास्टर ने बताई है ये आपको नहीं करना है, उसके बाद आप अपनी वीडियो को एक्सपोर्ट कर पाएंगे। लेकिन इन सभी तरीकों के बाद एक तरीका और बताया है, जो मैं अब आपको बताने वाला हूं, जिससे ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो गाइस, यहां पर आप देख पा रहे हैं आपको कुछ स्टेप्स यहां पर दिए गए हैं, इन सारे स्टेप्स को आपको फॉलो करना है। तो सबसे पहली स्टेप यहां पर आपको दी गई है, रिबूट द डिवाइस, आपको अपने मोबाइल को बंद करके चालू करना है। उसके बाद दूसरा ऑप्शन यहां पर आपको दिया गया है, मेक श्योर नो अनदर एप्स आर रनिंग। गाइस, अगर आप काइन मास्टर को यूज कर रहे हैं और उसके बैकग्राउंड में कोई दूसरे एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं, जैसे फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, व्हाट्सएप है, यूट्यूब है, अगर ये भी रनिंग में चल रहे हैं बैकग्राउंड में, तो सबसे पहले इन सभी को आपको बंद कर देना है। तो गाइस, यहां पर अब आपके सामने तीसरा स्टेप दिखाई दे रहा है, जहां पर लिखा हुआ दिखाई देगा आपको, स्टार्ट काइन मास्टर एंड टैप द गियर आइकन टू एक्सेस सेटिंग। तो गाइस, यहां पर आपको गियर का आइकन दिखाई दे रहा है, आपको सेटिंग वाला आइकन पर क्लिक करना है। तो गाइस, यहां पर अब आपके सामने आता है चौथा स्टेप, जहां पर आपको लिखा हुआ दिखाई देगा, टेप डिवाइस कैपेबिलिटी इंफॉर्मेशन, देन टेप द मेन्यू इन द अपर राइट कॉर्नर ऑफ द स्क्रीन। तो गाइस, यहां पर आपको डिवाइस कैपेबिलिटी इंफॉर्मेशन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अब आपके सामने आता है पांचवा स्टेप। तो गाइस, यहां पर आप पांचवा स्टेप देख पा रहे हैं, आपको चूज करना है हार्डवेयर परफॉर्मेंस एनालिसिस टू रन ए परफॉर्मेंस एनालिसिस, दिस विल टेक अबाउट 5 मिनट। तो गाइस, यहां पर आपको हार्डवेयर परफॉर्मेंस एनालिसिस यानी रन एनालिसिस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक कर देने के बाद आपको 5 मिनट का वेट करना है, ना ही आपको अपनी काइन मास्टर एप्लीकेशन को बंद करना है, जो आपकी प्रोसेस वहाँ पर चलती रहेगी आपको उसी प्रोसेस को पूरी तरह से देख लेना है, यानी आप सीधा यूँ समझे, ना ही आपको कोई अदर एप्लीकेशन को ओपन करना है, ना ही इस एप्लीकेशन को बंद करके कुछ और काम करने लग जाना है, ना ही आपको लॉक लगाना है अपने मोबाइल का, ऐसा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर ये जो बताया गया है आपको 5 मिनट तक का वेट करना है,
उस प्रोसेस को कम्प्लीट होने तक का। तो गाइज अभी तक जितने कारण और जितने तरीके मैंने आपको बताए हैं ये सारे तरीके काइन मास्टर की ऑफिशियल वेबसाइट पर लिखे हुए हैं। अगर आप इस पेज पर विजिट करना चाहते हैं तो इस पेज की लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन पर दी है, आप सीधे उस लिंक पर क्लिक करके इस पेज पर विजिट कर सकते हैं। तो गाइज ये थी एक छोटी सी वीडियो, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को आप लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, पास की बेल आइकन को प्रेस कर दें, ऑल वाले ऑप्शन पर क्लिक करके, ताकि हमारा सारा नोटिफिकेशन आपको इसी तरह से मिलते रहे। और गाइस एक बात और, यहाँ पर आपको दो वीडियो दिखाई दे रही है जिसमें से पहली वीडियो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं काइन मास्टर का लेटेस्ट वर्जन कैसे डाउनलोड करें, और दूसरी वीडियो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं काइन मास्टर पर यूट्यूब के लिए थंबनेल कैसे बनाते हैं फुल HD क्वालिटी में। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।